हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? तो सर, हमारा अब डिबेंचर्स का पार्ट चालू होने वाला है और डिबेंचर्स बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए डिबेंचर्स चालू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है डिबेंचर्स, कैसा है। तो इससे पहले हमने जो सुनाया था, शेयर सर्टिफिकेट सुना है केवल हमने, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था और कैसे कैसे हम एक इंस्ट्रूमेंट है शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन सर, अब तो वो भी डीमैट के फॉर्म में होने लग गया है, ठीक है। तो डीमेट फॉर्म में सारी चीजें चलने लगी हैं। तो डिबेंचर्स के केस में क्या है, डिबेंचर ऐसा क्या चीज है और क्या ये शेयर कैपिटल की तरह होता है? नहीं, अगर कंपनी को फाइनेंस अरेंज करना है और वो शेयर्स बांटना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि हमारी ओनरशिप जो है डाइल्यूट हो जाए, ज्यादा ओनर्स बन जाए तो अधिकार उनके ज्यादा रहेंगे, हमारे कम हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी चाहेगी कि मुझे पैसा मिल जाए लेकिन मेरी ओनरशिप ना जाए, यानी कि वोटिंग राइट्स किसी और के पास ना जाए। तो सर, ऐसे केस में बैंक लोन हो सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, सबको पता है। कॉमन, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि बैंक से लोन लेने। सर, बैंक की एक लिमिट है। बैंक जो है आपका पास रिकॉर्ड देखती है, आपकी सिबिल रिपोर्ट देखती है, कैसी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है वो देखती है, और आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही सैंक्शन करेंगे, और वो प्रोसीजर जो है बैंक के बड़े ही कंबरसम हो जाते हैं। सर, इससे अच्छा अगर आपको लार्ज अमाउंट चाहिए है, जैसे कि हम शेयर कैपिटल के थ्रू जुटाते थे शेयर्स इशू करके, ऐसे ही अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जिसका नाम है सर डिबेंचर्स। यानी कि हमने जनरल पब्लिक से लोन लिया है और उनको एक एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि आपका 10% का लोन है, या 5% का लोन है, या 9% का लोन है, आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सर पर ईयर। और कब तक है, एक पीरियड डिसाइड कर देंगे, हमको 10 साल के लिए चाहिए, 20 साल के लिए चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए वो हमने लेके, और इतना हम उनको कह देंगे कि भाई 20 साल बाद अपना पूरा पैसा ले लेना और इंटरेस्ट भी आपका आपको मिलता रहेगा। तो सर, क्या फिक्स इंटरेस्ट है और क्या ये डिविडेंड है, दोनों में अंतर है। यानी कि अगर आप शेयर होल्डर हो, अगर आपके पास शेयर है तो आप ओनर हुए, कमाई होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से लोन लेते हो, जैसे कि बैंक से हम लोन लेते हैं, तो हमारे लिए कंपलसरी है कि लोन का पैसा तो देना ही है सर, आपको रीपेमेंट करना है विद अलोंग विद द इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो ऐसे ही सर लोन के केस में होता है। तो अब सर, ये जो डिबेंचर्स है सर, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब मतलब मैंने किसी से पैसा लिया, कंपनी ने किसी से पैसा लिया, उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये है सर वो डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में बोलने से पहले, चलिए डिबेंचर्स के बारे में बोलने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रिलायंस ने कैसे डिबेंचर्स को इशू किया था और क्या नोटिस दिया था लोगों को। यानी कि क्या सर इसका भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है? हाँ, इसका भी नोटिस जाता है। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ही हम ऑफर करेंगे डिबेंचर्स के, हमको ये डिबेंचर्स चाहिए, आप एक काम करो इसमें इन्वेस्ट करो, या फिर जनरल पब्लिक में भी कर सकते हैं। दोनों के केस में प्रोस्पेक्टस देंगे, पूरा प्रोसीजर वही होता है जैसे शेयर्स वालों के केस में होता है। सर, ये रिलायंस के बारे में पढ़ लेते हैं। 2018 की बात है, BSE के थ्रू किया है। क्या किया, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 क्लॉज 2 ऑफ SEBI, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 250, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांच ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स PPD सीरीज G। फर्स्ट ट्रांच का मतलब होता है पहली किश्त, यानी कि जो आपने अलॉटमेंट होगा पहली किश्त आपको देनी है। फर्दर डेटेड लेटर है सर, ये क्या क्या है, इशू साइज आपको दिया हुआ है 3500 करोड़ का है, 35,000 अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सब टाइप है डिबेंचर का जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ इशू प्राइवेट प्लेसमेंट है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दिया गया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि सब ये ग्रुप है, मैं केवल इनको ऑफर कर रहा हूं, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। देन प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन BSE लिमिटेड, ठीक है सर। क्रेडिट रेटिंग दी जाती है इशू के टाइम पे बाय क्रेडिट एजेंसीज, तो सर ये CRISIL द्वारा दी हुई रेटिंग है, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट 17 अक्टूबर रहेगी। टेनर, द PPD सीरीज जी शैल बी रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, कितने टाइम के बाद हम रिडीम करेंगे, यानी कितने के टाइम बाद उनका रीपेमेंट होगा, वो चीज। डेट ऑफ मेच्योरिटी सर 10 साल बाद की दी हुई है। उसके बाद कूपन रेट का मतलब होता है कितने रेट, वो जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो है ये कूपन रेट। इसका मतलब इस रेट के डिबेंचर्स होंगे, आपको इस रेट पे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा ऑन द रिस्पेक्टिव कूपन पेमेंट डेट, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कूपन इंटरेस्ट ऑफर्ड, शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ कूपन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल कब रहेगा, रेफर टू द कैश फ्लो टेबल बिलो। चार, सिक्योरिटी इफ एनी क्रिएटेड ओवर द एसेट्स,
टाइप ऑफ सिक्योरिटी बताई हुई है, यानी कि टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैसे हैं। सर सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, कोई इसके बदले में एसेट की आपको गारंटी नहीं दी गई, जिसके एवज में आपको कोई ये अलॉटमेंट किया जा रहा है वो सिक्योर नहीं है, उसके बदले में कोई चीज मोर्टगेज नहीं कही, किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है। इसको समझाऊंगा अभी मैं, सिर्फ देख लो ये फॉर्मेट देख लो। देन स्पेशल राइट इंटरेस्ट प्रिविलेजेस अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट एंड चेंजेस देयर ऑफ निल, कोई एडिशनल राइट नहीं है, कोई एडिशनल उसका इंटरेस्ट उसमें आपको नहीं मिलने वाला है, जो चीजें वो दे दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा होता तो वो यहां पे वो स्पेसिफाई करते। कैश फ्लो कैसा रहेगा, सर ये डेट दी हुई है 2019 से लेके 27 तक, कब कब आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, ये भी इनको दिया हुआ है। कब खत्म होगा सर, 28 में 10 साल बाद, 18 में शुरू है, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, फाइनल रिडीम हो जाएंगे फिर ये 10 लाख के हैं। फिर सर बस कॉपी टू लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर, सब जो है इन्होंने जहां जहां इसको इन्फॉर्म करना था उन्होंने किया हुआ है। तो सर ये हमने फॉर्मेट यहां पे देख लिया, अब हम पढ़ेंगे वापस डिबेंचर्स के बारे में। अब आपको इससे क्या समझ में आ गया कि कंपनी इशू करती है, बोलती है ये है जैसे शेयर्स रहती है वैसे डिबेंचर्स रहेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप उस पर पैसा दो कंपनी को और कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, आपको कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा, हर बार इंटरेस्ट मिलेगा, कैश फ्लो आउट आपको मिलता जाएगा, पेमेंट मिलता जाएगा और 10 साल बाद 20 साल बाद जो भी उसका पीरियड रहेगा उसमें आपको वो पैसा वापस पूरा कर दिया जाएगा। यहां तक बात तो क्लियर हो गई। अब सर इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पार्ट से भी कवर कर लेते हैं। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है सर, और डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी एक्नोलेजिंग अ डेट, ये बताती है कि सर हम पे आपका इतना कर्जा है, ये आपको इंस्ट्रूमेंट हम इसके बदले दे रहे हैं। इट कंटेन्स टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड आल्सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली पेड हाफ ईयरली। हमने जो इशू वाला अभी लेटर था उसमें पढ़ा था कि सारी चीजें इनको क्या की जाती हैं, दी जाती हैं। मुझे आपको दिखाने के लिए डिबेंचर का कोई फॉर्मेट नहीं मिला, वो पुराने टाइम में जो सर्टिफिकेट होते थे वो दिख रहे थे, डीमैट का कोई ट्रांजेक्शन दिखा नहीं रिसेंट वाला, नहीं तो मैं आपको दिखाता। जैसे कि मैंने आपको अभी ग्रुप में आप लोगों के इंडिगो पेंट्स का आईपीओ की डिटेल्स भेजी हुई थी, इंडिगो पेंट्स में मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन ओवर सब्सक्राइब था, वो ओवर कितना 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था और मुझे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, मुझे भी शेयर्स नहीं मिले और फिर क्या हुआ सर, मेरा पैसा जो है रिजेक्ट इन रिफंड आ गया, मेरे पास पैसा आ गया जो भी लॉट मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। चलिए, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। The person to whom debenture are issued are called debenture holders and are lenders to the company. Sir, क्या बोला गया है? कोई भी चीज हो सकती है, debenture stock हो सकता है, bonds हो सकते हैं, zero coupon bonds भी होते हैं, कई तरह के bonds होते हैं, बताऊंगा अभी मैं। तो वो bonds ये सब क्या बताते हैं? ये सब एक debt बताते हैं कि किसी का हमने कर्जा ले रखा है, ये proof, evidence of debt है। तो ऐसे केस में उसको हम debentures कह देते हैं जो कंपनी यूजली इशू करती है। सर नेक्स्ट बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स, यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिटन डॉक्यूमेंट है सर, सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेट, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। अभी बताया मैंने आपको, क्या बोला था कि 10 साल बाद रिडीम होंगे, यानी कि डेट भी दी गई थी, इस डेट को रिडीम होंगे, 10 साल बाद की डेट थी सर, 17 अक्टूबर 2028 फाइनल आपका कैश आउटफ्लो होने के बाद रीपेमेंट पूरा जब होगा वो 10 लाख का उस डेट का होगा, तो डेट भी दी जाती है, पीरियड भी फिक्स है, किस दिन अलॉटमेंट, किस दिन वो होगा आपको इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो भी फिक्स है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको कूपन रेट बोला जा रहा था, कूपन रेट वो क्या था सर, वो इंटरेस्ट रेट है। जैसे कि मान लीजिए 9% डिबेंचर्स हैं तो उसको लिखा जाता है 9% डिबेंचर्स, उसके आगे उसका रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिबेंचर्स को हम हमेशा बताते हैं, शेयर कैपिटल को ऐसे नहीं बताते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल अपने आप में एक पूरी डेफिनेशन, उसमें आपका रेट नहीं डिसाइड होता, कुछ नहीं होता, तो वो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल। लेकिन डिबेंचर्स कौन सी कैटेगरी के हैं, 9% वाले हैं, 10% वाले हैं, 15% वाले हैं, तो वो इस वजह से रेट स्पेसिफाई करके आगे लिखे जाते हैं। देन इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ किसी से पैसा 10 साल 20 साल, ठीक है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पॉइंट ना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, और आपको ये पता समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और
जो आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब लॉस हो या प्रॉफिट देना तो है ही, इससे आपका प्रॉफिट कम होता है या लॉस बढ़ता है उससे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज है तो आपको देना ही है, जैसे बैंक इंटरेस्ट देते हो वैसे ही डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स, चार्ज ऑन एसेट्स का मीनिंग सर हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे एक सिक्योरिटी रखवाता है, वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी, जैसे आप मतलब अगर हाउस लोन लेते हो होम लोन तो आपको बोला जाता है अगर कंसीडरेबल अमाउंट का लोन है तो क्या करते हैं कि जिस जगह पे आपने लोन बना रहे हो जो प्लॉट है वो भी मोर्टगेज हो जाता है, प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी अब बनेगी वो भी बैंक के पास ही मोर्टगेज रहती है जब तक कि आपका वो घर का पूरा लोन जो है आप रीपे नहीं कर देते हो. लेकिन कई बार लोन बड़ा होता है और उनको ऐसा लगता है रीपे नहीं हो पाया तो एक वो कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं. कोलेटरल वर्ड का मीनिंग सर होता है सहायक, यानी कि एक एडिशनल सिक्योरिटी. तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वेदर इट इज अ प्लॉट और इज अ पीस ऑफ जो भी आप मतलब ऐसा कोई सिक्योरिटी आपको लगता है कि हमारे पास ये एडिशनल प्रॉपर्टी है जो एज अ फिक्स एसेट उनके पास रखी रह सकती है, मोर्टगेज हो सकती है. तो सर ये जो मोर्टगेज का सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, ये है सर चार्ज क्रिएट करना. यानी कि अगर कंपनी की एसेट्स किसी भी चीज को सिक्योर करने के लिए उनको मोर्गेज कर दिया गया तो इसका मतलब चार्ज ऑन एसेट है वो उनके ऊपर. चार्ज का मतलब सर ये जब वो चुक जाएगा पैसा तभी इस एसेट का कुछ कर सकते हो, उसको रीसेल कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. समझ गए? तो सर यहां तक की बात हमको आ गई है समझ में. अब हमने पढ़ना है सर डिबेंचर्स का और शेयर्स का डिफरेंस. व्हाट इट मींस, कंपनी ओन्ड कैपिटल, कंपनी ओन्ड कैपिटल डिबेंचर, जबकि द बोरोड कैपिटल ऑफ कंपनी है, यानी कि हमने किसी से पैसा लिया है. होल्डर्स सर इनके होल्डर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स, इनके होल्डर्स को कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स, सादा बात. स्टेटस सर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि किसी ने पैसा हमको लेंड किया हुआ है. मोड ऑफ रिटर्न सर डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है इनको, लेकिन इसका इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है. पेमेंट ऑफ रिटर्न आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो रिटर्न होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट्स मिलता है इनको रिटर्न, प्रॉफिट हो या लॉस पैसा आपको देना है. वोटिंग राइट्स सर इनको मिलते हैं, वोटिंग राइट्स इनको किनको सर शेयर होल्डर्स को मिलते हैं वोटिंग राइट्स. और डू नॉट पॉजेस एनी वोटिंग राइट्स किस केस में सर, डिबेंचर्स के केस में. मैं मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके देता हूं आपको हमेशा नोट्स में, ताकि आपको सेंटेंस बनाना सबको आता है लेकिन वो कीवर्ड याद रहना चाहिए जो हम मेंशन करना चाह रहे हैं एज एन कैरेक्टरिस्टिक्स. कन्वर्जन, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू डिबेंचर्स बट डिबेंचर्स कैन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू शेयर्स. ये केस कौन सा होता है सर, ये होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि डिबेंचर्स से कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और फॉर्म में, यानी कि शेयर्स के फॉर्म में. ट्रस्ट डीड इज नॉट कैरिड आउट इन द शेयर्स, ट्रस्ट डीड व्हेन द डिबेंचर्स आर सर्कुलेटेड टू द पब्लिक अ ट्रस्ट डीड हैज टू बी कैरिड आउट. सर इसका क्या मतलब, ये भी हम समझेंगे, पॉइंट मैं ड्रॉप कर रहा हूं आपको आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है ना. सर ये है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अलग अलग केस में अलग अलग कैटेगरी. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्या, वन कैन बी सिक्योर डिबेंचर्स, अनदर कैन बी अनसिक्योर डिबेंचर्स. सिक्योर कैटेगरी कैसे होती है सर, सिक्योर चार्ज अगेंस्ट सॉरी चार्ज ऑन एसेट रहता है सर, बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट. कंपनी के किसी भी एसेट के थ्रू सिक्योर होगी, यानी कि कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी को नहीं बेचा जा सकता अगर वो डिबेंचर होल्डर उससे सिक्योर्ड है, उस पर चार्ज है डिबेंचर होल्डर्स का. यानी कि अगर जब तक डिबेंचर्स का पैसा नहीं चुकता हो जाएगा तब तक आप उस प्लांट को बेच नहीं सकते, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो जब भी बेचा जाएगा किसके लिए बेचा जाएगा सर, अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा बाकी है तो पहले उनको मिलना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बेच पाओगे. सर इसका मतलब अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा डूब रहा है, कंपनी की कैपेसिटी नहीं रहती, कंपनी वॉलेंट्री रिटायरमेंट में वाइंडिंग अप में जाती है, तो सर अगर वाइंड अप होता है तो प्लांट एंड मशीनरी को बेच के सबसे पहला पैसा किसका दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स का. तो इस तरह से सिक्योर हो सकते हैं सर. चार्ज ऑन एसेट दो तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी अ फिक्स्ड चार्ज और इट कैन बी अ फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स एंड फ्लोटिंग सर, फिक्स का क्या मतलब है, फ्लोटिंग का क्या मतलब है. चार्ज मीन सिक्योरिंग अ लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन, यानी कि ये आप समझ चुके हो. टाइप्स ऑफ चार्ज सर, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, दो तरह के चार्ज. फिक्स्ड चार्ज का मतलब अगर मैंने बोला हुआ है कि सर प्लांट एंड मशीनरी डिबेंचर होल्डर्स के लिए फिक्स चार्ज की तरह हम उसको चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उन एसेट्स पे, तो फिक्स चार्ज का मतलब ये कि अब उस प्लांट मशीनरी को ना आप बेच सकते हो, ना उसमें कोई चेंज कर सकते हो, ना आप कहोगे कि सर मैं इसको बेच दूं, उसको रख दूं, वो नहीं हो सकता है. वो पार्ट
पर्टिकुलरली बुक हो गया है डिबेंचर होल्डर्स के लिए। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? ऐसी ऐसी एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करना जिसमें ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, लेकिन वो चार्ज फिक्स्ड कब होगा? जब उनके एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाएगा। सर ये बात समझ नहीं आई, समझो सर, दिस इज कंपनी, कंपनी के पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। सर मशीन्स लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, प्लांट भी लॉन्ग टर्म वाली चीज है, डेली नहीं बदलता है, तो इस पे चार्ज फिक्स क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब ये प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हम डिबेंचर होल्डर्स को का पैसा नहीं चुका देंगे। लेकिन सर ऐसे ही आपके एसेट्स देखा जाए तो डेटर्स आपके एसेट्स हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री आपका हो तो ये भी आपका एसेट है, लेकिन इन पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। कौन सा चार्ज सर? लेकिन फ्लोटिंग चार्ज। क्यों? क्योंकि सर इन्वेंट्री रेगुलर फ्लो में रहती है, अगर बेचोगे नहीं तो ट्रेडिंग चलेगी कैसे, बिजनेस कैसे होगा? सर इन्वेंट्री का जो स्टॉक है, मतलब जो स्टॉक है आपके पास, वो क्या होगा? रोटेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, और आपके पास हर बार नया स्टॉक आएगा, हर बार वो पुराना स्टॉक जो है क्लियर होता जाएगा। तो सर जिस दिन ऐसा होगा कि डिफॉल्ट होने लग गए और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स के लिए देखने वाला कौन है? शेयर होल्डर्स तो सर कंपनी के मालिक होते हैं, उनको एजीएम में भी बुलाया जाता है, उनका अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स भी होते हैं, तो वो अपना पक्ष विपक्ष दोनों चीजें रख सकते हैं, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, उनको कोई माए बाप की जरूरत नहीं है, किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है, किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि वो कंपनी के खुद ही मालिक है। लेकिन सर ये बच्चा, ये जो डिबेंचर है ना, ये बच्चा सर ये बाहरी बच्चा है, यानी कि ये सौतेला बच्चा है सर, दूसरे का पैसा है, बाहर के लोगों ने लगाया, उनके लिए यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। तो एक रूल है सर, एक रूल है क्या, कि डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए, डिबेंचर होल्डर जो कि सौतेला बच्चा है सर, इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? इसकी सिक्योरिटी के लिए कंपनी को सर क्या करना पड़ता है? एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ट्रस्ट डीड। इसमें कंपनी एक ट्रस्टी बनाते हैं, ट्रस्टी सर क्या कहेंगे उसको, हम ट्रस्टी कहते हैं। ट्रस्टी किस लिए? ट्रस्टी ही वो व्यक्ति है जो इन सौतेले बच्चों का ख्याल रखेगा, वो डिबेंचर होल्डर्स के राइट को सिक्योर करने के लिए कंपनी में काम करेंगे, और उनके राइट्स, उनका पैसा नुकसान ना हो, कहीं उनकी प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, क्या उन्होंने जो फिक्स चार्ज क्रिएट किया है, क्या उनके प्लांट एंड मशीन से खेल तो नहीं रहे? तो ये सारा ख्याल कौन रखेगा? ट्रस्टीज रखेंगे। इसलिए इस पॉइंट में अभी आपको बोला गया था कि ट्रस्ट डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ती है शेयर होल्डर केस में, बट इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ताकि हम ट्रस्टी बना सकें, ट्रस्टी दैट वुड वर्क इन द फेवर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो सर हमने मान लीजिए अब स्टॉक जो है, अब एक दिन ये हुआ कि कुछ चीजें आपको ऐसी लगी सर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो डिबेंचर होल्डर्स ने पूछा ट्रस्टी से क्या हाल है, तो इन्होंने बताया कि चिंता की बात है। अरे कैसी कैसी चिंता? अरे नहीं बहुत चिंता की बात है, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब सकता है, कंपनी की स्थिति जो है खराब हो रही है सर। तो डिबेंचर होल्डर सर सर कुछ करो, तो ट्रस्टीज जो है वो एक्शन लेंगे, और आपके जो चार्ज है, यानी कि ये जो स्टॉक और इन्वेंट्रीज पे जो चार्ज है फ्लोटिंग चार्ज, इसको एक पॉइंट पे आके फ्रीज कर देंगे, जिसको हम कहेंगे फिक्स्ड चार्ज। उस दिन ये बोला जाएगा कि अब आपको ये डिबेंचर्स और स्टॉक्स को यही फ्रीज कर देना है, जो इनकी वैल्यू है अब इनको रियलाइज हम करेंगे, और ये डिबेंचर वालों के उसमें फेवर में जाएगा, ये डिबेंचर होल्डर्स को चुकाने में इससे किया जाएगा, इसकी मदद रहेगी। ये आपकी सिक्योरिटी दो तरह की हो गई सर, फिक्स मतलब उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बट इन्वेंट्री है, डेटर है सर, ये बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं, यानी कि आता है पैसा जाता है, डेटर्स भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर डेटर्स चेंज हो रहे हैं तो सर अब मुझे लगता है कि आपको ये ट्रस्टी वाली बात जो है समझ में आ गई। तो चार्ज दो तरह के हो गए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाले। तो सर सिक्योर्ड की बात होगी, अनसिक्योर्ड वाले सर क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड क्या इनका कोई माई बाप नहीं है? क्या ये लावारिस बच्चे हैं? क्या इनको सर फिर ये ऑप्ट करेंगे ही क्यों करेंगे ऑप्ट सर, अगर इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ही नहीं कंपनी नहीं लेती है? लेकिन सर डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, बाहर का पैसा है, और हमने देखा था पार्टनरशिप में भी देखा था हमने कि लिक्विडिटी के टाइम पे जब डिसोल्यूशन हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, आउटसाइड क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दे रहे थे, मालिकों को आखिरी में। तो अल्टीमेटली ये है कि सर जो प्रेफरेंस है वो आउटसाइड क्रेडिटर्स को पहले मिलती है, तो इस केस में अनसिक्योर्ड भले हो लेकिन सर इनको प्रेफरेंस तो रहेगी ही, तो इस केस में इसलिए लोग अनसिक्योर्ड के फॉर्म में भी पैसा लगा देते हैं। सर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल और
दूसरा केस सर इररिडीमेबल, यानी कि एक ऐसे हैं जो रिडीम होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था उसमें क्या था सर, 10 साल की लाइफ है, 10 साल के बाद वो पैसा आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो सकता है सर ये इररिडीमेबल हो जाए, तो क्या इनके दिमाग में ये आ रहा है, जिन लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा है सर इररिडीमेबल वालों को कभी पैसा नहीं मिलेगा, बेवकूफों आप पढ़ चुके हो ये पहले भी, कहां ये प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप पढ़े थे हमने शेयर कैपिटल में, तब पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या था सर इररिडीमेबल का मतलब ये होता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब वो उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा, कंपनी का वाइंड अप होगा, तब क्या होगा सर, तब वो रिडीम होंगे, तब कंपनी जो इसके डिबेंचर होल्डर्स है इनको पैसा मिलेगा, यहां तक की बात ठीक है। फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सर यहां पे बोल रहे हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस रह गई है, लेकिन पहले होता था, जैसे कि मैंने डिबेंचर लिए, पहले ऐसा था मेरा सर्टिफिकेट गगन शर्मा जी डिबेंचर्स ले लिए, आपको पैसा दे दिया, कंपनी ने गगन शर्मा का नाम अपने रजिस्टर में डाल दिया है कि गगन शर्मा जी के पास इतने डिबेंचर्स हैं, इतने पैसे इन्होंने हमको दिए हुए हैं, तो मैं कौन हुआ सर, मैं हूं रजिस्टर्ड डिबेंचर, लेकिन अगर मैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा ये इंस्ट्रूमेंट तो मैं क्या करूंगा, इसको लेके किसी को भी दे सकता हूं, जो कि होता है, अगर अनरजिस्टर्ड डिबेंचर है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जैसे कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्काउंट भी हो सकता है, किसी और को दे भी सकते हैं, एंडोर्स भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, लीगल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो इस तरह से सर इसको एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर यूज कर रहे हो तो किसी को आप दे सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो अपना रेट लेके पहुंच जाएगा जब उसको लगेगा कि इंटरेस्ट का टाइम आ गया है। तो इस केस में अनरजिस्टर्ड वाले जो रजिस्टर्ड नहीं है जो ट्रांसफर कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वाले जिनका नाम वहां पर रजिस्टर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सर। प्रायोरिटी बेसिस पे, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इसके लेवल हो गए सर, फर्स्ट डिबेंचर सेकेंड डिबेंचर जैसा आपको, क्या इस पे भी कोई क्लासिफिकेशन है? राइट, अगर कंपनी ने मोर देन वन टाइप ऑफ डिबेंचर इशू किए हुए हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी किया था सर एक तरह का डिबेंचर इशू, अगर फर्दर वो एक साल बाद या दो महीने बाद या दस साल बाद देते हैं एक डिबेंचर और देते हैं, पुराने वाले रिडीम नहीं हुए अभी तक, तो सर उनके पास दो टाइप के हो जाएंगे डिबेंचर, कोई सिक्योर्ड नहीं है, वो भी अनसिक्योर्ड थे, फर्दर वाला भी अनसिक्योर्ड होगा, तो अब सर जब अगर कंपनी बर्बाद होती है तो आपस में लड़ाइयां हो जानी है सर, कि पहले पैसा हम लेंगे, पहले पैसा हम लेंगे, लेकिन सर दोनों ही लावारिस औलाद हैं, उनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आपस में लड़ भले ही लो, उनको उससे कोई फायदा नहीं होना, तो इस लड़ाई को बचाने के लिए और प्रोपोर्शनेट ना हो चीजें, तो प्रेफरेंस डिसाइड किया जाता है कि किसको हम पहली प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी पे कौन होगा, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं कि ये वाला टाइप को ना पहले पैसा देंगे, तो उनको बोला जाता है फर्स्ट डिबेंचर्स, जिनकी सेकंड प्रायोरिटी उनको बोले सेकंड डिबेंचर्स, और जितने टाइप है फर्दर आप उसको ऐसे लिस्ट करोगे, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी प्रेफरेंस है सर आपकी, अगर हम कंपनी डूबी तो पहले पैसा आपको मिलेगा, दूसरे पे पैसा आपको मिलेगा, तो प्रायोरिटी बेसिस पे हम फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर कह सकते हैं। देन फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन रेट सर एक है स्पेसिफिक कूपन रेट और एक है जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब जैसे हमने अभी देखा सर 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स, ये क्या है रेट स्पेसिफाई किया गया, कूपन रेट स्पेसिफाइड है सर कि इतने रेट वाले हैं सर। इसके अलावा मैं कह रहा हूं जीरो कूपन बॉन्ड, ओहो सर क्या इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या ये जीरो का मतलब बिल वो शाहरुख खान वाली जीरो हो गई? हाँ, तो सर क्या इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जीरो का मतलब ये नहीं है कि सर वो टिकट्स फ्री हो, पैसा उसने तब भी लिया था, जीरो मूवी में पैसा उसने टिकट्स का तब भी लिया था, नाम जीरो होने से क्या है सर, इसमें भी ऐसा ही है, उसी की तरह है ये, पैसा इसमें भी है सर। कैसे? कि जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को, तो 100 रुपए के डिबेंचर्स को मैं 100 में इशू नहीं कर रहा हूं, मैं उसको 91 रुपीज में इशू कर रहा हूं सर। क्या इशू ऑन डिस्काउंट हो सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे सर समझ में आता है कि इशू ऑन डिस्काउंट हो सकता है क्या डिबेंचर्स के केस में? हो सकता है, लेकिन सर शेयर्स के केस में नहीं हो सकता था, मैंने आपको रूल बताया हुआ था, लेकिन डिबेंचर्स में हम क्या है डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो ऐसे ही सर जीरो कूपन बॉन्ड में कम पैसे पे वो इशू किया जाता है और एट पार रिडीम हो जाता है, यानी कि 100 रुपए पे वो रिडीम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कमाई क्या रही सर? इसकी कमाई रही ये 9 रुपए, 9 रुपए, ये 9 रुपए इनकी कमाई रही सर। ये परसेंटेज में 9 आएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ 9 रुपए बोल रहा हूं मैं।
तो 9 रुपए की ये कमाई रही। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये है कि पहले ही कम प्राइस पे इशू होता है और जब वो आखिरी में रिडीम होगा तो फुल प्राइस पे होगा। सर ये बात हमें समझ में आ गई है क्योंकि ये इजी बात है, इसमें कुछ ऐसा परेशानी वाली बात नहीं। देन फ्रॉम कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू सर एक है कन्वर्टेबल, नाम ही सर ऐसा हो, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल पूरा लिख भी नहीं रहा मैं, टुची चीज हो गई सर। कन्वर्टेबल का मतलब सर ये कि डिबेंचर्स जो है कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स के फॉर्म में। आगे चल के आपको एक ऑफर दिया गया, अच्छा मैंने आपको अभी जब दिखाया था, हाँ अलॉटमेंट की बात दिखाई थी, तो सर इसमें हमने बोला था कि ये जो स्पेसिफाई किया था यहाँ पे स्पेशल राइट इंटरेस्ट प्रिविलेजेस कुछ हैं क्या, तो स्पेशल राइट में सर यहाँ पे वो बताते कि आपके ना कन्वर्ट हो जाएंगे सर, टाइप क्या है और यहाँ पे भी लिखा होता, देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसे सर, ये है अनसिक्योर्ड, ये है इररिडीमेबल और ये है नॉन कन्वर्टेबल। टाइप बताया हुआ है, इररिडीमेबल नहीं बोला है, रिडीमेबल बोला है कब, 10 साल बाद। अनसिक्योर्ड बोला है क्योंकि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही। नॉन कन्वर्टेबल बोला है यानी कि डिबेंचर्स ही रहेंगे और डिबेंचर्स के फॉर्म में ही जिएंगे, डिबेंचर्स के फॉर्म में ही मर जाएंगे यानी कि रिडीम हो जाएंगे। क्या इनका कोई आगे चल के ग्रोथ होने वाला है? चेस में देखा होगा आपने कि सर बाद में जाके जो वजीर होता है वो प्यादा भी होता है, जो पॉन्स होते हैं जो हम खेलते हैं, तो सर आखिरी में जाके वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं वजीर में अगर वो पहुंच जाते हैं लास्ट कॉलम तक। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल, अगर ये कन्वर्टेबल होते हैं तो सर ऐसा एक टाइम बाद यानी कि 10 साल बाद बोलेंगे या एक टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या सर पूरे कन्वर्ट होना जरूरी है? नहीं, हो सकता है कि कंपनी उनको आखिरी में ऑफर दे दे कि काम करो हम आपके 50% डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने वाले हैं शेयर्स में। सर क्या आधे भी हो सकते हैं? यस, उनको क्या कहते हैं सर? उनको कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल, पार्टली आधे या फिर फुली कन्वर्टेबल, दो कैटेगरी इसमें भी हो गई। नॉन कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये हो गए सर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमें लगता है यहां से हम खत्म हो गई हमारी सारी बातें, कॉन्सेप्ट्स का काम खत्म। ये सर ये हो गया काम खत्म, अब हमें जो बढ़ना है कुछ तो पढ़ना है सर। अच्छा अच्छा तो चलिए अब मैं डिबेंचर्स के अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, यानी कि ये तो सर हो गई थ्योरी वाला पार्ट, हमने तो समझ ही लिया, आसान है। अब अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें ऐसी चेंज होने वाली हैं जो पहले नहीं होती थी? क्या ये शेयर्स की तरह ही सर इनकी अकाउंटिंग होगी? क्या उसी की तरह ऑफर दिया जाएगा, उसी की तरह सर एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन के बाद सर हम उनको एप्लीकेशन मनी रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, उसको फिर हम क्या करते सर अलॉट कर दिया करते थे, अलॉटमेंट के बाद सर मनी हम कॉल किया करते थे और इस तरह से पूरा शेयर कैपिटल में अमाउंट चलाया जा करता था। ये तो था साइकिल। क्या डिबेंचर्स में भी ऐसी होता है? हाँ सर, डिबेंचर्स में भी ऑफर किया जाता है, लोग एप्लीकेशन देंगे, फिर ये शेयर कैपिटल इशू नहीं होगा सर, इशू क्या होगा, डिबेंचर्स इशू होंगे, फिर क्या होगा सर अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद कॉल किए जाएंगे और पैसा आ जाएगा। क्या सर बल्क में एक लमसम भी हो सकता है? वो तो सर दोनों में हो सकता है, शेयर्स में भी एक बार में हो रहा था, डिबेंचर्स में भी एक बार में हो सकता है। सर प्रेजेंटेशन का क्या करेंगे? डिबेंचर्स की कैटेगरी क्या है? प्रेजेंटेशन देखिए, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बताई थी हमने, पढ़ी थी, ड्रॉ कर ही लूं, शेप्स भी ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये तो गंदा गंदा काम कर दिया आपने। सर ये थी बैलेंस शीट, हम यहाँ पे शेयर्स एंड इक्विटी रहता था, सॉरी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज रहता था, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, देन आता सर नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। सर नॉन करेंट में कौन सा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? तो सर ये हमने पढ़ा अभी भी, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएंगे सर पर्टिकुलर डिबेंचर्स, ठीक है, वो भी कहां दिखाया जाएगा सर, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके अंडर आएगा सर ये वाली डिबेंचर्स, उनका टाइप पूरी डिटेल और यहां आ जाएगा अमाउंट यहां, ठीक है। जो पैसा आया सर वो किधर जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहां पे अमाउंट आ जाएगा। सर यहां तक का प्रेजेंटेशन तो हमें समझ में आया, ठीक है, लेकिन 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 कुछ और चीजें भी हैं सर समझने के लिए। देखो हो सकता है कि रीपेमेंट की किश्तें सर होने लग जाएं, हर बार किश्तों में रीपेमेंट होने लग जाए, यानी कि हमने एक बार एक किश्त देनी है, दूसरी बार देनी है, तीसरी बार देनी है, तो फिर आप देखोगे कि सर ये जो लॉन्ग टर्म
और शॉर्ट टर्म का जो तरीका है ना निकालने का, वो कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना? तो सर लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया सर नॉन करेंट, नॉन करेंट। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया सर करेंट, करेंट बोरोइंग्स। एसेट्स लाइबिलिटीज कह रहे थे, नॉन करेंट और करेंट हो गई, दो तरह की हो गई। सर नॉन करेंट और इसमें डिफरेंस क्या है? सर नॉन करेंट और करेंट में डिफरेंस क्या है? सर 12 मंथ्स का पीरियड, 12 मंथ्स का पीरियड डिसाइड करता है कि क्या करेंट है क्या नॉन करेंट है। अगर कोई भी पेमेंट हमको 12 मंथ्स के बाद करना है, 12 मंथ्स के बाद करना है, तो वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है नॉन करेंट। यानी कि अगले 12 मंथ्स में नहीं है पेमेंट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं है पेमेंट। लेकिन सर अगर विद इन 12 मंथ्स है कोई भी पेमेंट या हमारा उसका कोई भी ट्रांजेक्शन होना है, तो करंट उसमें जाता है। सर करंट में अब तक क्या क्या आता है आप ऑब्जर्व करके देखो। सर हमको डिबेंचर्स सॉरी डेटर्स मिलते हैं। डेटर्स में क्या बार बार रोटेशन होता है, हर बार नया डेटर आ जाता है, क्रेडिट पे सेल होती है, उससे पैसा भी आता है, तो वो हम कैटेगरी कहाँ जाती है? करेंट में। इन्वेंट्री सर रेगुलर स्टॉक चेंज होता है, पैसा आता है पैसा जाता है, तो वो भी इन्वेंट्री हमारी वहां पर चेंज हो जाती है। ये दो चीजें फिक्स हो गई। सर इसके अलावा अब इन दोनों में सर एक एक क्राइटेरिया हो गया टाइम का, यानी कि टाइम बेसिस। दूसरा क्राइटेरिया क्या है सर? दूसरा क्राइटेरिया होता है सर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं चीजें नॉन करेंट हैं या करेंट है। सर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब मान लीजिए एक बिजनेस का मॉडल लेते हैं हम, कार बनाने वाले, ठीक है ना? कार बनाने वाले क्या करते हैं? पहले रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं सर, वो पहले पार्ट्स बनाते हैं या पार्ट्स खरीदते हैं, उसके बाद उनकी असेंबली करते हैं, देन वो फर्दर उसको फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हैं। और मान लो एक ही आदमी है कार वाला, वो क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल तक सब बनाते हैं। सबसे पहले सर वो स्टील लेंगे, उसको प्लेन करेंगे, स्टील को सर उसको पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद उस पर कोटिंग होगी, फिर पेंट की कोटिंग होगी, फाइनल ऐसे अलग अलग पार्ट्स रेडी होंगे, देन उन पार्ट्स को हम कार में असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद वो आउटपुट रेडी होगा, जिसको रेडी होने में पूरा टाइम। चलिए ऐसे देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने सर क्या खरीदा? रॉ मटेरियल, देन रॉ मटेरियल से सर बना, काम में लग गया पैसा, सर वर्क इन प्रोग्रेस हो गया सर। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद सर उसने कार बना के रेडी कर दी, फिनिश गुड्स बन गई। फिनिश गुड्स के बाद सर उन्होंने सेल किया, क्रेडिट सेल किया, तो सर सेल हुई तो डेटर बन गए, क्रेडिट सेल था। डेटर से पैसा मिला सर कैश, बाद में कैश जाके सर वापस उन्होंने खरीदा क्या? रॉ मटेरियल। यहां तक ठीक है, ये पूरी साइकिल हो रही है। सर मैं ये हटा देता हूँ, मैं सिर्फ कैश तक ही रखता हूँ, ठीक है ना? कि कैश मिला, यही हमारा स्टार्टिंग है, कि यहाँ से कैश था, कैश से हम गए थे रॉ मटेरियल लेने और वापस कैश पे आए हैं, ये पूरी ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। सर इन ऑपरेशंस में मान लीजिए रॉ मटेरियल को खरीदते हैं हम और हमें क्रेडिट पीरियड उनको देते हैं हम, मतलब हमें मिलता है कुछ दिन पेमेंट करने के लिए, उसके बाद हम उनको 25 दिन में पेमेंट कर देते हैं, तो ये हो गया सर -25। देन रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में सर हमें लग जाते हैं, काम चलते चलते पीस बनने में सर हमको 100 दिन यहाँ लग जाते हैं, फाइनल गुड्स पे पहुंचते पहुंचते सर 120 दिन लग जाते हैं, फिर सर फिनिश गुड्स को डेटर यानी सेल होते होते और 100 दिन लगते हैं। यूजली एक प्रोडक्ट को पकड़ के चलेंगे तब हम, सर डेटर्स से पैसा मिलने में और 100 दिन लग जाते हैं, तो सर ये 100, 120, 100, फिर से 100, यानी कि 420 दिन हो गए। तो अब क्या ये 12 महीने की साइकिल रह गई? नहीं सर, एक बिजनेस की साइकिल कंप्लीट होने में ही मोर देन 365 डेज लग रहे हैं, मोर देन 12 मंथ्स लग रहे हैं, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल ही 420 दिन चली गई। तो विद इन 420 डेज अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, तो हमारे लिए ऑपरेटिंग साइकिल के अनुसार सर करेंट और नॉन करेंट डिसाइड होगा। फिर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 420 और इसके अंदर आने वाली चीज करेंट हो जाएंगी। फिर मैटर नहीं करता है कि 12 मंथ्स हैं कि नहीं। सर ये बातें क्यों समझा रहा हूं मैं? क्योंकि हम एक पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे सर, करंट और नॉन करंट का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। जो करंट होता है उसको हम करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं, जो नॉन करंट होता है उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सर डिबेंचर्स की। एक डिबेंचर्स है सर जो कि 10 लाख रुपए के हैं अब तक थे, अब उनका रीपेमेंट का टाइम आया जो कि हम किश्तों में दे रहे हैं या उसके लिए हमको उनको पेमेंट करना है, ठीक है ना?
हम पेमेंट कर रहे हैं सर उनको दो दो लाख रुपए के हिसाब से, दो लाख रुपए ये, दो लाख रुपए ये, ऐसे करके सर हमें दो लाख रुपए देने, ठीक है ना? सर ये वाला ईयर ना एंड हो गया, ये देने थे हमको 31 मार्च 2018 तक, ये देने थे हमको 31 मार्च 2019 तक, ऐसे करो ये करने थे सर 19 तक, ये देने थे 20 तक, और ये देने होंगे 31 मार्च 21 में, ये तीन साल हो गए। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा कौन से ईयर की, तो जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2020, तो इस बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी सर कितनी दिखने वाली, 10 लाख में से 2 लाख जा चुके हैं और 31/3/20 को होंगे, अभी दिए नहीं है, देंगे। या ऐसा करो सर बैलेंस शीट तो 31 मार्च के बाद ही बनती है, तो मैं कहता हूं ये पेमेंट भी चला गया, अब आपकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? सर बैलेंस शीट में नॉन करेंट सॉरी लायबिलिटीज में हमको क्या दिखेगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की सर, 4 लाख जा चुका है, 6 लाख रुपए बचा हुआ है, ठीक है। अब ये बात मुझे बताओ कि 6 लाख रुपए क्या नॉन करेंट है, ये 4 लाख जा चुका है, क्या 6 लाख रुपए नॉन करेंट है? जो भी हां बोल रहे हैं नालायकों, गलत बात बोल रहे हैं। क्यों गलत बात बोल रहे हैं सर, ये 2 लाख का पेमेंट अगले 12 महीने के अंदर ही देना है हमको, देख लो आप, ये 12 महीने के अंदर ही देना है। मैं 31 मार्च के बाद बना रहा हूं बैलेंस शीट, 31 मार्च 2021 में मुझे ये पेमेंट देना होगा जो कि 12 महीने के अंदर फॉल करता है। इसका मतलब सर कि 6 लाख रुपए नहीं हुआ नॉन करेंट, नॉन करेंट है केवल 4 लाख रुपए, बाकी बाकी क्या हुआ सर, बाकी है सर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कितना सर, 2 लाख रुपए। इसके लिए सर टर्म यूज किया जाता है करंट मैच्योरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है सर, करंट मैच्योरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि अगर करेंटली कोई डेट्स जो है मैच्योर होने वाले हैं, मैच्योर होने वाले हैं, तो सर उसकी कैटेगराइज हम उसको अलग तरीके से करते हैं, उनको हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, यानी कि अदर करंट लायबिलिटी में सर 2 लाख रुपए ये होगा, 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में है, केवल 6 लाख रुपए का डेट बचा हुआ है। सर ये कहां हमको देखने होंगे, ये आपको इस बार पूरे प्रेजेंटेशन में काम आएगी बात। दो कैटेगरी हो गई सर प्रेजेंटेशन की, वन पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म, सेकेंड पार्ट जो है सर वो करंट मैच्योरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, या लॉन्ग टर्म डेट लिख लो आप, करंट मैच्योरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सर जो लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में ही देना है, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स है उसके रीपेमेंट में, तो सर वो कहां जाएगा, वो जाएगा सर नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। सर अगर करंट मैच्योरिंग है सर ये जाएगा करंट लायबिलिटीज में, कहां जाएगा सर, ये जाएगा सर अदर करेंट लायबिलिटीज कैटेगरी, अदर करेंट लायबिलिटी, क्या यहां तक ठीक है बात? सर ये इंपॉर्टेंट थी, ये समझनी थी हमको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।